हर हर महादेव। एक मधुसूदन मुखर्जी बंगाली ब्राह्मण है, ऊधम सिंह नगर उत्तराखंड से। इनका एक सार्वजनिक प्रश्न है, ये पूछना चाह रहे हैं कि हे विप्रगण, कृपया मार्गदर्शन कीजिए कि माता पिता के विवाह माह में क्या पुत्र या पुत्री का विवाह हो सकता है। प्रश्न तो आप समझ ही गए होंगे, ये पूछना चाह रहे हैं कि जिस महीने में माता या पिता का विवाह हुआ है उसी महीने में उसके पुत्र या पुत्री का विवाह होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, शास्त्रों में क्या निषिद्ध है क्या, ऐसा इनका प्रश्न है। देखिए, शास्त्रों में कई तरीके के वचन है, विधि वाक्य हैं, निषिद्ध वाक्य हैं, है ना, और अर्थवाद वाक्य हैं, या जो है परिसंख्या वाले वचन हैं, कई तरीके के वचन हैं। तो यद्यपि विधि की बड़ी महिमा है, भगवान श्री कृष्ण गीता जी में विधि की ही बात करते हैं, यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य, यद्यपि विधि और मंत्र दोनों की महिमा है लेकिन सर्वप्रथम विधि है और फिर जो है मंत्र। तो अब देखिए, निषेध निषेध निषिद्ध का परिवर्जन पूर्वक विधि का परिपालन होना चाहिए। धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री महाराज जी का यही मत है कि निषिद्ध परिवर्जन पूर्वक यथासंभव विधि का परिपालन हो। तो निषेध का तो पूरा का पूरा ही परिवर्जन होना चाहिए, परंतु निषिद्ध क्या है, जो शास्त्र जिसको निषेध करें, शास्त्र जिसको कहें ऐसा नहीं होना चाहिए, तो वही निषेध है। अपने मन से कोई निषेध करे, अपने मन से किसी चीज का परिवर्जन करे, तो वो निषेध नहीं है, ये समझ लेना चाहिए। तो जैसे कि शास्त्रों में आया है कि सह नक्षत्र जन्म, सह नक्षत्र जनन में शांति का विधान है। जैसे जिस नक्षत्र में पिता का जन्म है, जिस नक्षत्र में माता का जन्म है, जिस नक्षत्र में बड़े भाई का जन्म है, उसी नक्षत्र में पुत्र का या आज वह छोटे भाई का जन्म होता है, तो उसका शास्त्रों में शांति का विधान है। परंतु ऐसा जो है विवाह से संबंधित नहीं है, ऐसा नहीं है कि विवाह जो है ज्येष्ठ भाई का हुआ है या माता पिता का जिस महीने में विवाह हुआ है तो उस महीने में पुत्र का या छोटे भाई का विवाह नहीं हो, ऐसा निषेध शास्त्रों में कहीं नहीं मिला है। देखिए, इससे संबंधित आपको एक बात बतला दें कि ज्येष्ठ महीने में और ज्येष्ठ कन्या या वर का विवाह नहीं होना चाहिए। ज्येष्ठ कन्या भी है, ज्येष्ठ वर भी है, ज्येष्ठ महीना है, तीन हो गए, अथवा ज्येष्ठा नक्षत्र है तो ये भी माना गया है। न जन्म मासे जन्मर्क्षे च जन्म दिवसे पिबा आद्य गर्भ सुता सुतस्याथ दुहितिर दुहितिर्वा कर ग्रह। ये जो वचन है नारद जी का वचन है, ये अलग तरीके का वचन है, वो भी अभी बतलाएंगे। इसका मतलब है कि जन्म महीने में विवाह नहीं होना चाहिए, पिता के जन्म के महीने में नहीं, जिसका जिस महीने में जन्म हुआ है उस महीने में उसका विवाह निषेध कर रहे हैं। न जन्म मासे जन्म रक्षे न, जिस नक्षत्र में जन्म हुआ है उस नक्षत्र में भी विवाह नहीं होना चाहिए, और जन्म दिवसे पिवा जन्मदिन में, जो जन्मदिन जिस दिन मनाया जाता है, जिस जन्मदिन की जो तिथि है उस तिथि में भी विवाह नहीं होना चाहिए। आद्य गर्भ सुतस्याथ दुहितर वा करग्रह, बोले और पुत्रों का भले हो जाए, ज्येष्ठ वाले पुत्र का, ज्येष्ठ पुत्र का जिस नक्षत्र में जन्म है, जिस महीने में जन्म है, उस महीने में उस नक्षत्र में या जन्म तिथि में भी विवाह नहीं होना चाहिए। ज्येष्ठ सुतस्य अथ दुहितु वा करग्रह, नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार ज्येष्ठ की जैसे अभी चर्चा कर रहे थे कि ज्येष्ठ महीने में, तो द्वौ ज्येष्ठौ मध्यमौ, ये अगर दो ज्येष्ठ हैं तो वो मध्यम माने गए, ज्येष्ठ कन्या है, ज्येष्ठ का महीना है तो चलो हो जाएगा, ज्येष्ठ कन्या ज्येष्ठ वर ये दो ज्येष्ठ श्रेष्ठ नहीं है, लेकिन ज्येष्ठ महीना और ज्येष्ठ कोई एक ज्येष्ठ है कन्या या पुत्र तो चल जाएगा। कहते हैं द्वौ ज्येष्ठौ मध्यमौ प्रोक्तौ, और एक ज्येष्ठ है स्वभाव
और एक ज्येष्ठ है तो कोई बात ही नहीं है, ज्येष्ठ का विवाह तो होगा ही। और ज्येष्ठ त्रयम न कुर्वीता विवाहे सर्वसम्मतम, लेकिन तीन ज्येष्ठ कभी भी नहीं करना चाहिए, इसमें सभी का मत है, एक मत है, ये मतलब सबका एक मत है कि तीन ज्येष्ठ महीना, ज्येष्ठ कन्या, ज्येष्ठ वर नहीं होना चाहिए। बाद में कह दी चलो ज्येष्ठ का हो भी जाए दो ज्येष्ठ कर सकते हैं, ये छूट दे दी, मध्यम हो जाएंगे, ज्येष्ठ कन्या है ज्येष्ठ वर भी है तो चलो दूसरे महीने में कर लो, यहां तक भी छूट दे दिए बाद में किसी किसी ने। और भी बतला रहे हैं कि ज्येष्ठ महीने में ज्येष्ठ पुत्र का केवल विवाह ही नहीं और भी कृत्य नहीं करना चाहिए, ये लोक में प्रचलित बहुत कम है, ध्यान देना इस बात पर। ये जो है पीयूष धारा टीका से बोल रहे हैं हम, व्रतबंधम विवाहम च चूडाम कर्णस्य वेदनम ज्येष्ठ मासे न कुर्वीता कल्याणम ज्येष्ठ पुत्रगम। व्रतबंधम जाने यज्ञोपवी संस्कार भी ज्येष्ठ पुत्र का ज्येष्ठ मास में नहीं होना चाहिए, विवाहम विवाह चूडाम कर्णस्य वेदनम, चूडाम माने चूडाकरण, जाने जिसको चूड़ाकरण संस्कार हुआ आजकल मुंडन संस्कार कहते हैं वो भी, और कर्णस्य वेदनम कर्णवेद संस्कार कर्णच्छेदन, ये भी ज्येष्ठ पुत्र का ज्येष्ठ महीने में नहीं होना चाहिए। ज्येष्ठ मासे न कुर्वीता कल्याणम पुत्रगणम, अगर पुत्रगम पुत्र के कल्याण चाहने वाले को ये काम नहीं करना चाहिए, अन्यथा पुत्र का जो है कल्याण पूर्ण रूप से नहीं होगा, ये शास्त्र कह रहे हैं इस बात को। और एक बात और विशेष बात आपको बतला दें, क्या बात विशेष है कि ये जो कार्य अभी बतलाए गए हैं ये ज्येष्ठ पुत्र के ज्येष्ठ महीने में नहीं होना चाहिए, और भी एक महीना और है मार्गशीर्ष, कुछ कार्य ऐसे हैं कि ज्येष्ठ पुत्र के मार्गशीर्ष में भी ये कर्म नहीं होना चाहिए, वो क्या है, बोले व्रतबंधम ये मार्गशीर्षे तथा ज्येष्ठे शौरम परिणय व्रतम आद्य पुत्र दुहित्रोश्च यत्नतः परिवर्जये। देखिए भारद्वाज ऋषि का मत है, ये इसी का है पीयूष धारा में ही, आगे लिखते हैं कि मार्गशीर्षे तथा ज्येष्ठे यानी मार्गशीर्ष महीना में और ज्येष्ठ मास में छौरम परिणय व्रतम, छौरम माने चौल संस्कार मुंडन संस्कार, और परिणय माने विवाह, और व्रतम माने यज्ञोपवीत संस्कार, आद्य पुत्र दुहित्रोश्च आद्य पुत्र यानी ज्येष्ठ पुत्र या ज्येष्ठ पुत्री का भी, ज्येष्ठ पुत्री का भी मुंडन नहीं हो, ज्येष्ठ पुत्री का भी विवाह नहीं हो, ये जो है यत्नतः परिवर्जये यत्न पूर्वक परिवर्जित करना चाहिए। तो ज्येष्ठ पुत्र का ये तो प्रचलित है कि ज्येष्ठ पुत्र का विवाह लोग ज्येष्ठ महीने में नहीं करते हैं कन्या पुत्र का, परंतु ये मार्गशीर्ष भी बतला दिया है ना, और दूसरा इसके साथ साथ चौल और उपनयन आदि भी बतला दिया, कर्ण वेद भी बतला दिया, ये भी संस्कार इसमें नहीं होना चाहिए। और देखिए एक निषेध आपको बतला दें, बहुत ही जरूरी है, सामान्य रूप से एक उदरा सहोदरा यानी एक माता से जन्मी हुई कन्याओं का विवाह एक संवत्सर में नहीं करना चाहिए। देखिए पाराशर ऋषि का वचन है कि एकोदर प्रसूतानाम एकस्मिन् वत्सरे यदि पाणिग्रहो भवेन्नूनम तत्रैका विधवा भवे। यदि एकोदर प्रसूता यानी एक माता के एक उदर में रहने वाली दो कन्याओं का विवाह यदि एकस्मिन् वत्सरे भवे एक ही संवत्सर में एक ही वर्ष में होता है, चाहे वो एक महीने में एक ही दिन हो या जो है एक साल के अंतर्गत हो जाए, तो पाणिग्रहो भवेत तो नूनम माने निश्चितम तत्रैका विधवा भवेत, तो उसमें से एक को जो है संकट आने की संभावना रहती है, इस दृष्टि से ये जो है विवाह प्रशस्त नहीं है। यदि किसी विशेष कारण बस यदि करना पड़े तो शास्त्रों फिर इसका समाधान देते हुए आगे लिखा गया है कि ऐसी स्थिति में फिर वो जो है लग्न अलग हो देश भेद हो,
देश का भेद बतलाया गया, कोई नदी एक नदी के इस पार हो जाए एक उधर हो जाए तो वो देश की सीमा बदल जाती है, या कोई विशेष पर्वत हो या कुछ योजन की दूरी बतलाई गई है कि इतनी दूरी पर भी कर सकते हैं, या जो नहीं भी ये संभव भी नहीं हो तो दो घर हो, एक घर में न करें एक गार्डन में न करें, मतलब एक दो अलग अलग होना चाहिए, दो घर होना चाहिए, अलग द्वार से उसका दूल्हा प्रवेश करे और दूसरे द्वार से उसका प्रवेश करे, और लग्न अलग हो, कन्यादान कर्ता अलग हो, विवाह पढ़ने वाले आचार्य अलग अलग हो, आचार्य भेद, लग्न भेद, स्थान भेद, द्वार भेद और कन्या दात्री भेद, कम से कम इतने भेदों को रख करके तब करे अत्यावश्यकता में। सामान्य रूप से एक वर्ष बाद ही दूसरी बहन का विवाह होना चाहिए, ये जो है शास्त्रों का मत है। विधि निषेध का परिपालन अत्यावश्यक है शास्त्रों में। तो इस तरीके से शास्त्रों में विवाह से संबंधित, महीनों से संबंधित लिखा हुआ किस महीने में करना चाहिए। माघे च धनवती कन्या, माघ में विवाह करने से धनवती कन्या होती है। फाल्गुने च सुभगा भवेत, फाल्गुन में विवाह करने से सौभाग्यवती होती है। वैशाखे तथा ज्येष्ठे पत्युरत्यंत वल्लभा, और वैशाख ज्येष्ठ में विवाह करने पर पति को अत्यंत प्रिय होने वाली होती है। और आषाढ़े कुल वृद्धि स्यात, आषाढ़ महीने में जो है कुल वृद्धि होती है। इस तरीके से महीनों के भी भेद बतलाए गए हैं और उनके फल भी बतलाए गए हैं, परंतु ऐसा कहीं निषेध शास्त्रों में नहीं आया है कि माता पिता का विवाह जिस महीने में हुआ हो तो उस महीने में जो है पुत्र या पुत्री का विवाह नहीं करना चाहिए, ऐसा निषेध नहीं है। अर्थात माता पिता के होने वाले विवाह मास में भी पुत्र और पुत्री का विवाह हो सकता है। हर हर महादेव।